दोस्तों हम लोग इसी रूम में रुके हुए हैं श्रीनगर, और जो कि डल झील के पास पड़ता है, तो हम लोग इधर रुके हुए हैं। और आज इधर से निकलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं कि श्रीनगर में कहां कहां घूमने लायक जगह। तो दोस्तों हम लोग जो है जम्मू में और डल झील में बैठे हुए हैं, और डल झील का जैसे इसमें बोलते हैं कि पॉइंट 11 पॉइंट, ये लोग चाचा हमारे मिल गए हैं, ये बहुत ही बढ़िया आदमी हैं जी। हेलो। तो यहाँ का क्या फेमस है चाचा? यहाँ पे सब कुछ फेमस है। सब कुछ फेमस है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे सब कुछ फेमस है। ये कौन सी जगह है? कौन सी जगह है ये? इसका नाम है घाट नंबर एक, डल झील का घाट नंबर एक। हाँ जी। और यहाँ पे मैंने सुना है मूवी की सीन वगैरह होती है। यहाँ पे पिक्चर बनता है, पूरा पिक्चर यहाँ पे शूटिंग होता है। यहाँ पे अभी पिक्चर चलता है, अभी नया पिक्चर यहाँ पे, पता नहीं वो किस जगह से, उसका नाम है पश्मीना। अच्छा, का नाम है पश्मीना। अच्छा, यहाँ पे शूटिंग हो रही है? हाँ, यहाँ पे शूटिंग हो रहा है। हो रहा है? हाँ जी सर। तो यहाँ पे बहुत दूर दूर, मतलब सब जम्मू की सबसे फेमस जगह है ये। फेमस जगह है कश्मीर, है तो पूरा फेमस जगह है कश्मीर की फेमस जगह। हाँ, यहाँ पे जो भी है सब कुछ नेचुरली है, यहाँ पे कोई बनावट नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सब कुछ नेचुरली है। भाई लोगों, चाचा हमारे जो है समझ लीजिए बहुत बढ़िया काम किए हैं। ये देखो यहाँ पे लोटस का खेती है। कहाँ? ये राइट साइड, राइट साइड होता है। हाँ, वो सब्जी में बनाता, बढ़िया बनता है सब्जी। अच्छा, ये कमल। हाँ, ये कमल फूल भी होता होगा। हाँ, इसको कमल कठा भी होता है, वो अभी तैयार है, इसमें वो जो देखना। हाँ, उसको दाना दाना निकलता है, वो खाता है। भाई साहब देखिए, हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं और बोट चल रही है धीरे धीरे। आप साइड का सीन देखिए किस तरीके से है। ये मोमेंट बहुत बढ़िया लग रहा है भाई साहब, एक नंबर का। साहब जैसे कहा जाता है कि ठंड में यहाँ जो है एकदम बर्फ जम जाती है ना, ठंड का यहाँ माहौल बहुत बढ़िया होता है। और जैसे कि अपने यहाँ देख, अच्छा अवधि माँ, तो भैया हो इडल झील आटे और देखें बीचे में रास्ता कितना बढ़िया है, बीचे बीचे में। और हियाँ ठंड में बर्फ़ जम जात है चारों तरफ, हियाँ से लेके हुआ तक का एकदम बर्फ़ बर्फ़ रहा है। हम आप सबका ये दिखावे चलते ही कि हियाँ नेचुरलिटी कितनी बढ़िया है, एकदम हर चीज़ नेचर से जुड़ा हुआ है। और हियाँ एका जोनी नाव हुआ है, एका शिकारा बोला थे, है ना, शिकारा टैक्सी इसको बोलते हैं। और हमारे भाई साहब भी हैं, जैसे यहाँ पे अगर किसी को फ़ोटो वोटो खिंचवाना है तो ये लोग ऐसे, मतलब सारा सिस्टम है। बीच में यहाँ पे 8 पॉइंट बने हुए हैं, 8 से 11 पॉइंट, और जिसको कुछ रेटों में मतलब दिखाया जाता है। और देखा भैया आगे कैसे सीन है, आगे कैसे नज़ारा है, पहली बार हमारे सब आवा है बिना घूमे ही। यहाँ मन लायक आद रहा कि यहाँ सोचते रहे लौट चली, लेकिन अब चाचा मिल गए, चाचा को जब जान ले हमारे सब यहाँ घूम लेते ही, और बाकी उम्मीद तो ना रही। ठीक है, तो भाई साहब आपको दिखाते हुए चलूँगा। ठीक है, यहाँ पे जो मार्केट लगती है, मान के चलो फोटोग्राफर से लेके फल वाले से लेके सिंगार वाले से लेके सारी दुकानें बोट पे है भाई साहब। कहवा बिल्कुल नहीं, कॉफी है, कॉफी भी नहीं, चाय है। चाय? कितने रुपए में? 20 एक कप पिला। 20 रुपए की एक कप पिला चाय? चाय बनाओ सर, चाय। एक दो कप पिला, चाचा को पिलाओ, चाचा को। नहीं नहीं नहीं, दो कप चाय पिए, नाम की चाय पिए। पी लिया? शुगर कैसा? शुगर लाइट और थोड़ा सा टाइट। डाल सकते हैं, पहले देख लीजिए आप। कहवा नहीं, चाय ही दीजिएगा। चाय ही देंगे सर, बढ़िया चाय, एकदम एवन क्वालिटी। चाय एवन क्वालिटी की चाहिए, एक कप सिर्फ। चाय आप पियेंगे ना तो सामने से बोलेगा अच्छा है कि खराब है।
देखो भैया नहीं भाई साहब अभी अभी कैसा बनता है टूटा हर जगह खाते हैं घर में भी रोड के ऊपर बस एक ही कप ये नहीं पीता मैं छोड़ दिया कस्टमर का चेंज है आपके पास कितना है एक और बता दो चाय पियोगे पी लेगा शुगर देखो चेक कर लो शुगर डाल अभी तो 10 रुपए में चेंज नहीं होगा तब कैसे लौटाएंगे 10 रुपए तो होगा ये नहीं केसर केसर ना 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 केसर स्वाद केसर पिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चचा आप कहीं नहीं पिए पी लेना था आपको नहीं नहीं मैं नाम अहमद नमकीन चाय ये जो कॉर्नर में बोट वगैरह बनी है यहाँ पे रात स्टे करने के लिए 2,000, 4,000, 5,000 सबका रेंट है सबका अलग अलग रेंट है और साइड का सीन देखते हुए चलिए भाई साहब एक नंबर का मौसम है और मौसम में लेक का और बोट अब देखो ये बोट कहाँ तक जाती है और हम लोग चाय पी रहे हैं ये सिर्फ चाचा की बदौलत है नहीं तो कोई घुमाता नहीं क्यों सही है ना सही बात मौसम बहुत बढ़िया है थोड़ा धूप है लेकिन ठीक है भाई साहब इसी लेक के बीच में चारों तरफ पानी है और नहीं सिर्फ तीन तरफ पानी है और बाकी यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं नेहरू गार्डन और नेहरू गार्डन में देखा भैया अपने सुल्तानपुर खान लागत है साहब आप लोग भी देखो किस तरीके से सीन है और बाकी जो चीज़ें हैं मैं थोड़ा और नियर बाई से दिखा देता हूँ आप सभी को भैया बैक कैमरा से एक नंबर या लाइटिंग वाइटिंग लगी है पर्यटक यहाँ आवत रहा थे यही कहा भैया यहाँ व्यवस्था हर एक चीज़ के बनाई गया है और नावें पे सब कुछ है नाइन पे बैठ के सब कुछ इन जाते बहुत दूर तक है ले और झील ठीक है ना और बीच में गार्डन है भाई साहब डल झील जो है बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ पे सेल्फी पॉइंट और वो कॉर्नर में रोड वगैरह जाती है और ये देखिए पूरा नज़ारा यहीं पे ख़त्म होता है और हम आगे चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं तो भाई साहब हम लोग घूम चुके हैं यहाँ पे नेहरू पार्क ठीक है अब आगे निकलते हैं फिर बोट में बैठते हैं फिर दिखाते हैं आप सभी को यहाँ का नज़ारा आइसक्रीम वगैरह भैया सब मिला था यहाँ भैया अब हमारे सब यहाँ से घूम ले अब आगे आप सबको दिखा बताइए कि कोने हिसाब से कहाँ कहाँ जावा जी तो भाई साहब फाइनली हम लोग घूम लिए हैं क्या नाम है डल झील ठीक है और अभी आगे चलते हैं कि जहाँ पे मार्केट जो लगती है वो दिखाता हूँ जो है किस तरीके से बनी हुई है नाव ये रोड है ये पूरा घर वर बना है और बीच में पानी का रास्ता है
इसी में मार्केट भी लगती है भैया। यहाँ पे दुकानें जो हैं पानी के अंदर हैं बिल्कुल, ये सब दुकानें हैं। ठीक है, आप देखते चलो। सारा काम पानी में है भैया, यहाँ दुकानें वगैरह सब कुछ सब पानी में। बहुत सुकून भरा लग रहा है भैया, लेकिन यहाँ की ज़िंदगी बहुत ही कठिन है। हाँ, पानी में रहना, खाना, कपड़े, ये सब बहुत ही कठिन है यहाँ पे। जितना दिखने में लग रहा है उतना है नहीं, दिक्कतें यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। ओल्ड सिटी मार्केट, डल झील की सबसे पुरानी मार्केट है ओल्ड सिटी मार्केट, पानी के अंदर है पूरा। ठीक है, आप देखते रहो किस तरीके से है भैया। सीन देखिए, सीन पानी थोड़ा इसमें सही नहीं है, बाकी सीन बहुत बढ़िया है। चाचा हमारे घुमा दें, जान ले बहुत बड़ा काम हो गया है चाचा। इधर कुछ लेना घर के लिए, कुछ चावल वाल? नहीं नहीं, कुछ नहीं लेना। ड्राई फ्रूट लेना कुछ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब इधर से निकल चलेंगे ना हम लोग? हाँ, इधर ही से निकलेंगे ना। अच्छा, तो ये सब भाई साहब एकदम बीच के रास्ता एकदम नंबर एक है भैया। यह हम बैठा है बोट पर और यह देखा जा दुकान लग गया भैया। यह देखे मज़ा आती है, बाकी अपने के यहाँ जैसे तालाब होते वैसे ना यह है सारा सिस्टम। हाँ, एक मज़ा तब आए जब यहाँ बर्फ़ जम जाता है, तब ठंडी माँ दिसंबर माँ। ये देखो करेला, करेला राइट साइड करेला है सब्जी, ये देखो ना सब्जी। हाँ सब्जी भी, तरोई तुरई तुरई भैया देखा था, गार्डन वेजिटेबल पूरा नेचर है एक नंबर का। देख रहे हो कितना क्लियर आ रहा है, और बाकी चीज़ें यहाँ पूरा पानी में है भाई। गांव वाला है वो, देखो गांव वाला है वो, देखो किसान लोग। अच्छा हाँ जी, अच्छा वो किसान लोग हैं। हाँ किसान लोग। और ये अमीना मार्केट। भैया हम लोग ऐसे चलते जा रहे हैं और ऐसे बैठे हैं, शेखर जी उधर बैठे हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो सेल्फी सब धका धक खींची जा रही है। और लोकेशन यहाँ का बहुत बढ़िया है, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे कहीं और जगह घूमने। और ठीक है ना, तो देखते हुए चलिए किस तरीके से है लोकेशन। सब दुकानें बनी हैं यहाँ, कुल निकलता सब कुछ सारा सिस्टम नंबर एक है। दुकान उकान भाई साहब पानी का अंदर हुआ है बना, गजब मने यहाँ राहत हुई है, बहुत शांति है भैया यहाँ। देखे रहा सब जने, देखा है हरी चारों ओर जंगल उंगल है झाकर होकर। और बहुत चीज़ अब रिकॉर्ड करे का है भैया, धीरे धीरे सब जने देखत रहा वीडियो का, शेयर करत रहा ताकि हम ऐसे वीडियो बनाई बढ़िया अच्छी अच्छी जगह ही दिखाई। ठीक है ना, कुल पानी पे है पूरी बाज़ार, पूरा मार्केट सब पानी पे है। देखा टर्न कैसे करता है, देखा ये मुड़ी से अब फिर वहीं निकल जाए ना। ये इसका भी नाम मीना बाजार, यहाँ पे बनी हैदर पिक्चर। हैदर? हाँ हैदर पिक्चर यहीं पे बन गया, हैदर मूवी यहीं बनी है भैया, शाहिद कपूर का, शाहिद कपूर की हैदर मूवी यहीं बनी है। मूवमेंट बहुत बढ़िया है भाई साहब यहाँ का, एकदम शांति। देखा था कैसे जुगाड़ लगाए लगाए बनाए यहाँ। भाई लोगों डल झील का से यही सीन है,
आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है मौसम और शांति बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यहीं से ऊपर पहाड़ी पे शंकराचार्य मंदिर दिख रही है, वो छोटी सी। अभी हम लोगों को वहाँ भी जाना है। दुकानें देखिए कैसे बना है पानी के अंदर। हम लोग वापस जा रहे हैं अब किनारे। तो भाई साहब जैसे कि फ़ोन में दिख रहा है हकीकत और भी बढ़िया है। अगर आप ठंड के मौसम में दिसंबर के मौसम में अगर आप आते हैं तो और भी बढ़िया नज़ारा रहता है। यहाँ पे बर्फबारी होती है तब, ठीक है। अब यहाँ से निकलूँगा, शंकराचार्य मंदिर देखूँगा और बहुत सारी अभी जगह बाकी है, ठीक है ना। तो आगे मिलता हूँ भाई लोग। देखिए पश्मीना मूवी की शूटिंग हो रही है। ये दिख रहा है, ठीक है।